आजकल पैसा किसे अच्छा नहीं लगता है, और अगर फ्री में मिल जाए तो बात ही कुछ और है। नासा के पास ऐसी ही एक नौकरी है जिसमें वह सिर्फ सोने के लिए लाखों रुपए देती है। जी हां, आपने सही सुना है, सिर्फ सोने के लिए लाखों रुपए देती है। दरअसल नासा ने एक शोध किया था कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी मानव शरीर पर क्या असर डालती है। इसके लिए कुछ लोगों की भर्तियां की गई जिनका काम सिर्फ बिस्तर पर लेटे रहने का था। इन सभी प्रतिभागियों की नासा की तरफ से $18,500 यानी करीब 14,80,000 रुपए का ऑफर किया गया था। सुनने में तो यह नौकरी कितनी आसान सी दिख रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि चुने गए 24 लोगों ने पूरे 60 दिन लेट कर बिताए हैं। साथ ही इन सभी ने हर तरह की गतिविधि भी लेट कर ही की है। 2 महीने तक 24 घंटे बिस्तर पर सीधे लेटे रहना काफी मुश्किल काम था। साथ ही लेटते समय आपको अपना सिर 6 डिग्री नीचे झुकाकर रखना होता है। ऐसा तब भी करना होगा जब आप खा रहे हो या टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हो। यह काम उन लोगों के लिए आसान होता है जिनकी मानसिक स्थिति इतने लंबे समय तक बिस्तर में रहने की हो। नासा के लिए बेड रेस्ट स्टडी करने वाले सीनियर साइंटिस्ट रोनी क्रॉमवाल का इस पर कहना है कि हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम ऐसे लोगों को चुने जो 2 महीने में बिस्तर पर बिताने के लिए मानसिक रूप से तैयार हों। इसके लिए हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है, हर व्यक्ति बिस्तर में लंबा समय नहीं गुजार सकता है। यह बात सच है कि कोई भी शख्स लगातार इतने दिनों तक लेट कर नहीं बिता सकता है। सोने के अलावा नासा मनोवैज्ञानिक और अंतरिक्ष संबंधी स्टडी के लिए शरीर के अंगों का भी इस्तेमाल करती है। रिसर्च संस्थाएं ब्लड प्लाज्मा भी खरीदती हैं, जिसे $50 यानी 4,000 रुपए में बेचा जा सकता है। इसका इस्तेमाल बीमारियों के इलाज में रिसर्च के लिए होता है। इसके अलावा अपने एक्स डोनेट करके भी 6 से 11 लाख रुपए तक कमाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल भी रिसर्च के लिए ही होता है। इसके अलावा स्पर्म डोनेशन और बोन मैरो डोनेशन भी किया जाता है, जो मेडिकल रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं। जानकारी के मुताबिक विज्ञान की मदद के लिए मृत शरीर को भी दान किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल रिसर्च के लिए होता है, और फिर उसकी अंतिम संस्कार का खर्च भी खरीदने वाली संस्था ही करती है।